अपना टेलीवीज टीवी चैनल जहां पर मैं प्रिया मांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करी जा रही है जी टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी की, जिसका एक नया प्रोमो सामने आ चुका है। अब पारो और लक्ष्मी और शालू प्लान तो बना चुके थे कि वो इस शहर को छोड़कर गांव चले जाएंगे, मगर नीलम कहां कम थी। वो अपने पोती को पाने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है। ऐसे में पुलिस भेजकर उसने हमारी पारो लक्ष्मी और शालू को वापस बुलवा लिया है। लेकिन अब यहां पर लक्ष्मी कमजोर नहीं पड़ने वाली है, वो अपनी बेटी के लिए हर लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो नीलम से लड़नी पड़े, मलिष्का से या फिर खुद ऋषि से ही क्यों नहीं। ऐसे में अब ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पारो की कस्टडी का ड्रामा चल रहा है। और यहां पर जो नीलम है ना, अपने पैसे रुतबे का घमंड दिखा रही है और कहती नजर आ रही है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो एक बच्चे के पालन पोषण के लिए होना चाहिए, और मलिष्का और ऋषि के जैसे माता पिता की मतलब माता पिता मिल जाए तो फिर ये जो बच्चे का करियर है, भविष्य है, वो आसानी से सुधर सकता है। लक्ष्मी जो है वो जिम्मेदार माँ नहीं है, वो पारो की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ना हमारी लक्ष्मी भी मुंह तोड़ जवाब देती है नीलम को और कहती है कि सबसे पहले ये बता दीजिए कि ऋषि और मलिष्का के बीच पति पत्नी का रिश्ता है भी या नहीं। अभी ये दोनों अच्छे से पति पत्नी तो बने नहीं, माता पिता क्या बनेंगे। और सबसे पहली बात कि रिश्ता तो मेरा है ऋषि से, अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऋषि की पत्नी मैं हूँ और मेरे रहते हुए ऋषि दूसरी शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और अब तक मेरे और ऋषि की तलाक के पेपर साइन नहीं हुए। मैंने ऋषि को डिवोर्स नहीं दिया, ऋषि मुझे डिवोर्स नहीं दिया है। तो ऐसे में हम दोनों का शादी वैलिड है और ऐसे में मलिष्का उसकी पत्नी नहीं है। और ऐसे में मलिष्का के होश उड़ जाते कि ओ माय गॉड, अब तो मैं ऋषि की जिंदगी से चली जाऊंगी और ये ऋषि की जिंदगी में आ जाएगी। और नीलम की बोलती भी एकदम से बंद हो जाती है, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि ऋषि और लक्ष्मी साथ रहेंगे और उनके बच्चे भी उनके साथ ही रहेंगे। ऐसे में अब मलिष्का का खुराफाती दिमाग शांत रहे, ये तो हो नहीं सकता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है कहानी में आगे। वेल, आपको प्रोमो कैसा लगा सीरियल का, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।